अच्छा भाई, सबसे पहले तो हमने लास्ट क्लास में थ्योरी ऑफ सप्लाई खत्म कर लिया था ना। गुड इवनिंग माधव, गुड इवनिंग, गुड, नाइस नाइस। हाँ भाई, हमने लास्ट क्लास में थ्योरी ऑफ सप्लाई खत्म कर लिया था, मतलब जो डिफरेंस था शायद हमने कर लिया था, वो डिफरेंस बिटवीन चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई, चेंज इन सप्लाई, ये हो गया था ना। ठीक है, 1 मिनट। बड़े गम बच्चे आए भाई, आज कुछ है क्या? आज तो कुछ नहीं। ठीक है, देखो इधर। सबसे पहले आज विल स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल पोर्शन। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई आज हम स्टार्ट करेंगे। तुमने अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ढंग से कर रखा है, और वैसे मुझे ऐसा लगता है कि तुमने ढंग से कर भी रखा है, क्योंकि हमने उसके एम्पल न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस किए थे, अगर तुम्हें याद होगा तो हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के जितने न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस किए थे उसी का रिजल्ट अभी शायद तुम्हें देखने को मिलेगा। इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले कुछ टर्म्स हैं जो तुम्हें आने चाहिए। अगर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को डिनोट किससे करते हैं? ES। जैसे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को ED से ऐसे लिखते हैं ना, ED, चाहे कैपिटल में लिखो चाहे स्मॉल में लिखो, सबका मतलब एक ही होता है। वैसे ES रिप्रेजेंट्स इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। मतलब क्या है इसका? मतलब है सप्लाई किस हद तक चेंज होती है, किस एक्सटेंड तक चेंज होती है, किसके चेंज होने की वजह से? सारे के सारे फैक्टर्स के चेंज होने की वजह से, इंक्लूडिंग प्राइस, मतलब चाहे नंबर ऑफ फर्म्स है, गोल ऑफ फर्म्स है, टेक्नोलॉजी है, इनपुट प्राइस है, हर फैक्टर के चेंज होने से सप्लाई किस हद तक चेंज होती है, कौन मेजर करता है? इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, क्योंकि इलास्टिक वर्ड का मतलब ही है किस एक्सटेंड तक चेंज हो रहा है, वो हमें कैलकुलेट करना है। अब देख, इस पूरे चैप्टर में हम सिर्फ एक ही इलास्टिसिटी डिस्कस करते हैं, और वो कौन सी इलास्टिसिटी? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, जिसका मीनिंग भाई यहाँ पे सारे के सारे फैक्टर्स थे जो इसकी डेफिनेशन। अगर पूछा जाए प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या है, तो भाई क्या देखता है? सप्लाई किस हद तक चेंज होती है, सिर्फ किसके चेंज होने की वजह से? प्राइस के चेंज होने की वजह से, उसको हम बोलते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। मेक श्योर बुक तुम्हारे सामने ही है, 1 सेकेंड। हाँ, मेक श्योर बुक तुम्हारे सामने है और डेफिनेशन साइमल्टेनियसली पढ़ते रहे, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई एंड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। और तुम देखोगे बिल्कुल सेम डेफिनेशंस जो हमने डिमांड में पढ़ी थी वही हमें सप्लाई में देखने को मिल रही, बिल्कुल सेम। अब सुनो, इस पूरे चैप्टर में, नहीं, श्रेया, ऐसा तुमने कुछ भी मिस नहीं किया। अब मैंने सिर्फ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की डेफिनेशन बताई कि सप्लाई किस हद तक चेंज हो रही है विद द चेंज इन ऑल द फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई, प्राइस, रिलेटेड गुड्स, नंबर ऑफ फर्म्स, गोल ऑफ फर्म, गवर्नमेंट पॉलिसी, हर फैक्टर के चेंज होने से। ठीक है, देखो, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को मेजर करने के लिए एक्चुअल में दो मेथड्स, नाम तो मैं दोनों का लर्न करना है, दो मेथड्स हैं। एक है परसेंटेज मेथड, जिसको अदर वर्ड्स में प्रोपोर्शनेट मेथड बोलते हैं। परसेंटेज मेथड बोलो या प्रोपोर्शनेट मेथड बोलो, एक ही बात है, जिसका न्यूमेरिकल 3 या 4 नंबर में आएगा ही आएगा, मैंडेटरी क्वेश्चन में ही आएगा फाइनल एग्जाम्स में। और दूसरा है पॉइंट मेथड बोलो या ज्योमेट्रिक मेथड बोलो, एक ही बात है, जो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट यू मस्ट मेमोराइज द नेम। तुम्हें ये पता होना चाहिए कि एक्चुअल में कितने मेथड्स होते हैं। हम पढ़ते एक ही हैं, वो एक अलग चीज है, मगर एक्चुअल में कितने मेथड्स हैं? दो, जिसमें से हम फिलहाल 11th स्टैंडर्ड में कौन सा मेथड पढ़ते हैं? परसेंटेज मेथड, विच इज ऑल्सो नोन एज प्रोपोर्शनेट मेथड। अब ध्यान देना, और तुम्हें ये सारी की सारी चीजें याद आना शुरू हो जाएंगे अगर तुम डिमांड का फॉर्मूला थोड़ा बहुत भी भूल गए, तुम्हें याद आ जाएगा। देख, परसेंटेज मेथड से इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कैसे निकालते हैं? फॉर्मूला, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ये फॉर्मूला। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, तुम्हें याद है?
हम डिमांड में यहाँ माइनस का साइन लगाते थे, अगर याद हो तो। वो माइनस का साइन हम क्यों लगाते थे? क्योंकि प्राइस और डिमांड में नेगेटिव रिलेशन, बट यहाँ तो प्राइस और सप्लाई है। एग्जैक्टली, प्राइस और सप्लाई में कैसा रिलेशन होता है भाई? पॉजिटिव रिलेशन, जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा है। तो यहाँ पे कोई साइन का यूज नहीं होगा, सब कुछ सेम है, सब कुछ, कोई नेगेटिव साइन बस यहाँ पे यूज नहीं होगा। अब सपोज इसको डिराइव करेंगे, एक नया फॉर्मूला बन के आएगा, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई। अगर निकालनी पड़ जाए तो कैसे निकालेंगे? डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इन 200। ऐसे परसेंटेज चेंज इन प्राइस कैसे निकालेंगे? डेल्टा पी अपॉन पी इन 200। एंड रिमेंबर, डेल्टा क्यू या डेल्टा पी हमेशा न्यू क्वांटिटी माइनस ओल्ड क्वांटिटी, न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस होता है। मतलब यहाँ पर लिख रही हूं मैं, डेल्टा क्यू न्यू माइनस ओल्ड, ऐसे ही डेल्टा पी प्राइस का चेंज, तो न्यू माइनस ओल्ड होगा, ओल्ड माइनस न्यू। 100 से 100 कैंसिल। एक नया फॉर्मूला जो शायद तुम्हें याद, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन। कई न्यूमेरिकल्स में, ज्यादातर न्यूमेरिकल्स में, अधिकतर ये फॉर्मूला यूज होता है। अगर कहीं भी क्वेश्चन में परसेंटेज दी होगी तो कौन सा वाला फॉर्मूला यूज होगा? परसेंटेज वाला। वो तो अभी हम क्वेश्चन करेंगे, तुम्हें पता चल जाएगा। ठीक है, हाँ, डेरिवेशन एक बार देखना चाहो देख लो, फिर हम आगे न्यूमेरिकल स्टार्ट करें। जब हो जाए तो बताना, मेरा पढ़। ठीक है अक्षरा, ठीक है वासु, मिटा दो ना, हो गया ना? अब देखो, कुछ क्वेश्चंस मैं सॉल्व करवाऊं, इसके बाद मैं, मतलब ये 3-4 क्वेश्चन होने के बाद मैं कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं करूंगी, सब कुछ तुम करोगे। ठीक है, देखो, सबसे पहले प्राइस क्वांटिटी सप्लाई, तुम्हारे पास जो क्वेश्चन आएगा वो स्टेटमेंट फॉर्म में लिखा होगा। तुम्हें, तुम्हारा पहला स्टेप हमेशा क्या होना चाहिए? टेबल फॉर्म। टेबल के बिना क्वेश्चन में हमेशा कोई ना कोई गलती होगी, तो इसलिए टेबल बनाना इस मैंडेट। देखो, प्राइस 10 से 15 हुआ, क्वांटिटी सप्लाई 200 से 300 हुआ, ये क्वेश्चन दिया हुआ। कहीं भी क्वेश्चन में तुम्हें परसेंटेज दिख रहा है, कहीं भी प्राइस 10 से 15, क्वांटिटी 200 से 300, कहीं भी परसेंटेज है? नहीं। तो अगर कभी भी क्वेश्चन में परसेंटेज नहीं है तो आप सीधा कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? ये वाला। कहीं भी क्वेश्चन में परसेंटेज वर्ड अगर यूज नहीं होता तो कौन सा फॉर्मूला? सीधा ये। अब जरा देखते हैं क्या क्या गिवन है। ये पी है, ये P1 है, ये क्यू है, ये Q1। फॉर्मूला लिखा है डेल्टा क्यू, डेल्टा क्यू का मतलब क्वांटिटी का चेंज, 300 माइनस 200, 100 डिवाइडेड बाय प्राइस का चेंज 15 माइनस 10, 5। ठीक है, इनटू पी अपॉन क्यू, 10 डिवाइडेड बाय 200, 10 डिवाइडेड बाय 200। बस क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको, और यहां से इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की वैल्यू कितनी आ गई? 1। इजी, मतलब बस मैं तुम्हें ये चीज एक्सप्लेन कर रही हूँ कि कभी भी क्वेश्चन में परसेंटेज वर्ड नहीं है तो आप हमेशा कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे? ये वाला, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू।
इफ इन केस, कभी क्वेश्चन इस फॉर्म में, हर फॉर्मेशन बताऊंगी मैं क्वेश्चन, ठीक है? देखो, प्राइस 10% से बढ़ गया, लिखा हुआ है प्राइस इंक्रीज बाय 10%, क्वांटिटी सप्लाई 50 से 200, क्वांटिटी दी हुई है, क्यू दिया है, Q1 दिया है, मगर प्राइस नहीं दिया, प्राइस का परसेंटेज दिया हुआ है कि प्राइस जो है वो 10% से बढ़ रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे आ गया वर्ड परसेंट, तो मुझे पता है कि भाई एक फॉर्मूला बताया गया है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, सीधा प्राइस का परसेंटेज चेंज दे रहा है 10%। तो सीधा 10 लिख दिया इधर, कुछ नहीं करना, प्राइस का परसेंटेज चेंज दे रहा है वो 10%, मैंने लिख दिया 10, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी मुझे निकालनी पड़ेगी क्योंकि वो नहीं दी, तो उसका फॉर्मूला हमने डेरिवेशन में किया है, डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू 100, ऐसे निकालते हैं परसेंटेज चेंज, बस अब वैल्यूज पुट करो, डेल्टा क्यू कितना है 150 डिवाइडेड बाय क्वांटिटी कितनी है 50 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 10, यहां से आ गया 300 डिवाइडेड बाय 10, तो ईएस की वैल्यू कितनी आ गई 30, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई यहां से कितना आ गया 30, यहां तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बेटा जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगी उस टाइम पे आंसर गलत नहीं होना चाहिए, ध्यान रखें, यहां कोई दिक्कत, तुम्हें बस ये पता चल गया कि कब कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। अब देखो देख लो, अब दिख रहा है, हो गया, चले आगे, ठीक है, देखो इधर, ठीक है, देखो अब थोड़ा सा आगे प्रोसीड करते हैं। अगर क्वेश्चन कुछ इस फॉर्म में, मुझे बस बताते जाना ये क्या है जो मैं बोल रही हूँ, ठीक है, एक सेकंड, क्वेश्चन में लिखा है प्राइस इंक्रीजेस बाय ₹5 पर यूनिट, प्राइस इंक्रीजेस बाय ₹5 पर यूनिट एंड बिकम्स ₹20 पर यूनिट, तो पहले वाला प्राइस और नया वाला प्राइस कितना है, प्राइस इंक्रीजेस बाय ₹5 पर यूनिट एंड बिकम्स ₹20 पर यूनिट, तो इनिशियल प्राइस और न्यू प्राइस कितना कितना हुआ, अक्षरा गलत है, नमन ठीक है, सिंपल इंग्लिश में मैंने बोला था ये तो इजी था, प्राइस ₹5 से बढ़ गया और 20 हो गया, मतलब हिंदी तो कर ही सकते हो ना तुम लोग, अगर ₹5 से प्राइस बढ़ा है तो इसका मतलब पहले वाला प्राइस 15 था और दूसरा वाला प्राइस कितना हो गया 20, एग्जैक्टली, ये तो इजी था। अच्छा अब बताओ, क्वांटिटी सप्लाइड इंक्रीजेस बाय 100 यूनिट्स, क्वांटिटी सप्लाइड इंक्रीजेस बाय 100 यूनिट्स एंड बिकम्स ₹300 यूनिट्स, बताओ पहले वाली क्वांटिटी कितनी और नई वाली क्वांटिटी कितनी, क्वांटिटी सप्लाई इंक्रीजेस बाय 100 एंड बिकम्स ₹300, एग्जैक्टली, पहले वाली क्वांटिटी है 200 और दूसरी वाली क्वांटिटी क्या है 300, इजी, फिर से शेड्यूल बन गया, उसके हिसाब से कौन सा वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, यही वाला डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू, ये तुम सॉल्व करते रहना बात, ठीक है। अब देख, अगर क्वेश्चन में लिखा है, अब ईएस ने निकाला, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में निकाल लिया, अब क्वेश्चन में लिखा है ईएस गिवन है 2, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज गिवन 2, प्राइस इंक्रीजेस बाय ₹2 पर यूनिट,
प्राइस इंक्रीजेस बाय रुपीज 2 पर यूनिट. मुझे बताओ ये 2 क्या है. प्राइस इंक्रीजेस बाय रुपीज 2 पर यूनिट. मुझे बताइए ये 2 क्या है. गुड गुड चेंज एग्जैक्टली डेल्टा. प्राइस 2 रुपए से बढ़ गया इसका मतलब मुझे डेल्टा पी दे रहा है वो कितना 2. आगे लिखा है क्वांटिटी इंक्रीजेस बाय 50 यूनिट्स. फिर से क्वांटिटी इंक्रीजेस बाय 50 यूनिट्स इसका मतलब डेल्टा. एक मिनट. क्वांटिटी सप्लाई इंक्रीजेस बाय 50 यूनिट्स इसका मतलब चेंज इन क्वांटिटी मुझे वो कितना दे रहा है 50. ठीक है देखो आगे वो मुझे कह रहा है कैलकुलेट इनिशियल क्वांटिटी. तुम्हें क्यों निकालना है कैलकुलेट इनिशियल क्वांटिटी इफ इनिशियल प्राइस वाज रुपीज 2 पर यूनिट. तुम्हें इनिशियल क्वांटिटी निकालनी है क्यू की वैल्यू निकालनी है अगर इनिशियल प्राइस था 2 रुपए. ये क्वेश्चन तुम सॉल्व करोगे क्यू की वैल्यू निकाल. एक स्टेप का क्वेश्चन है जल्दी करो जिसका हो जाए वो डन लिखना आंसर मत लिखना. भूमि प्राइस 2 रुपए. ठीक है ठीक है कितना आ रहा है आंसर. ठीक है बताओ क्वांटिटी कितनी. नमन कह रहा है 25. भूमि कह रही है 25. यूनिट्स लगाते चलना भाई. अच्छा सभी कह रहे हैं 25. देखो भाई अगर किसी को दिक्कत हो तो देख लेना. डेल्टा क्यू 50 है डेल्टा पी 2 है इंटू पी अपॉन क्यू. पी अपॉन क्यू और ई एस की वैल्यू मुझे दे रहा है 2. तो यहां से सीधा सीधा 50 डिवाइडेड बाय 2 इनिशियल क्वांटिटी कितनी आ गई 25 यूनिट्स. एक स्टेप में ही क्वेश्चन खत्म हो जाता है क्योंकि सब कुछ तुम्हें गिवन है सिर्फ फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी. ठीक है अगला क्वेश्चन लिखो. देखिए व्हेन प्राइस ऑफ अ गुड इंक्रीजेस बाय 20% कॉमा द क्वांटिटी सप्लाइड इंक्रीजेस बाय 200 यूनिट्स. बाय का मतलब चेंज होता है ध्यान रहे. बाय 200 यूनिट्स. कैलकुलेट इनिशियल क्वांटिटी इफ ईएस इज 1. इनिशियल क्वांटिटी निकाल ली ईएस गिवन है 1. जल्दी करो.
देख लेना फॉर्मूला कौन सा वाला यूज होगा, परसेंटेज गिवन है, बहुत इजी है, तुम्हें क्यू की वैल्यू निकालनी है बस। ठीक है। अच्छा एक चीज और है, इससे पहले कि कोई बच्चा निकले, सैटरडे ऑफ रहेगा आपका, सैटरडे को कोई क्लास नहीं होगी। रीजन इज माय मेरे ब्रदर इन लॉ की मैरिज, तो दिस इज द रीजन फॉर नॉट कंडक्टिंग एनी क्लास ऑन सैटरडे। और नेक्स्ट क्लास एज यूजुअल तुम्हारे ट्यूजडे को ही हो, नॉर्मल सेम बैच टाइमिंग जो तुम्हारे। ठीक है। नहीं, नितिका कल भी नहीं, फ्राइडे भी नहीं। अच्छा नितिका कल कहाँ थी भाई? ये ऐसा क्यों होता है कि नितिका तुम्हारी बहन हमेशा आती है और तुम मतलब तुम ही फैमिली वालों के साथ कहीं बाहर जाते हो? हाँ, सोहम सेम है, सेम। अरे ऐसे थोड़ी होता है अर्पित। हाँ ना मन, ऑफलाइन में इलास्टिसिटी के न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस हुए, वो भी मैं तुम्हें भी सेंड करूंगी असाइनमेंट। अच्छा भाई कितों का हो गया? कईयों ने डन लिख दिया था, वैसे ईएस गिवन है 1, देख लेना वेरीफाई करना। ठीक है कीर्ति, परसेंटेज चेंज इन प्राइस सीधा सीधा दे रहा है 20%। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी का फॉर्मूला होता है ये, ठीक है? तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ 20 आया, डेल्टा क्यू 200 है, इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है, तो यहाँ से ये आ गया 20,000 डिवाइडेड बाय 20, तो यहाँ पे क्लियरली इसकी वैल्यू आ रही है 1,000 यूनिट्स। कितने? ठीक है 1,000 यूनिट्स। इजी था यार ये, थोड़ा टाइम भी लगना चाहिए था। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। और किसी का ठीक नहीं था? बस ये गिने चुने 5-6 बच्चों का ठीक था क्या? इसमें था ही क्या? परसेंटेज चेंज, ठीक है यार, परसेंटेज चेंज इन प्राइस गिवन है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी का फॉर्मूला वी नो, हमें क्यू की वैल्यू निकालनी है, डेल्टा क्यू इज गिवन, बस। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है अगला क्वेश्चन लिख। देखो When price decreases by rupee 1 per unit, price decreases by rupee 1 per unit and becomes rupees 3 per unit and becomes rupees 3 per unit, full stop. The quantity supply decreases by 10 units, quantity supply decreases by 10 units, calculate Q and Q1 दोनों निकाल लें, इनिशियल क्वांटिटी एंड न्यू क्वांटिटी, इफ ES इज टू। जल्दी करो। टेबल अगर तुमने हमेशा ठीक बनाया तो क्वेश्चन कभी गलत नहीं हो सकता, शेड्यूल में गलती तो क्वेश्चन में गलती।
और Q1 दोनों की वैल्यूज बताइए। क्यू आ गई तो Q1 तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। और ध्यान रहे दोनों घट रहे हैं, प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई, तो दोनों में माइनस का साइन यूज होगा और पॉजिटिव रिलेशन दिखाया जाएगा। भूमि कह रही है इनिशियल क्वांटिटी इज कमिंग 2.5, बाकी भी बताओ भाई। इतना बड़ा तो क्वेश्चन ही नहीं है। प्राइस 1 रुपए से घट रहा है और 3 हो रहा है, मतलब पहले वाला 4 दूसरा वाला 3। क्वांटिटी सप्लाई 10 यूनिट से घट गई, ठीक है। कितना टेबल ठीक है एक बार देख। ठीक है तो टेबल ठीक है, तो इतना टाइम क्यों लग रहा है। डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू, क्योंकि तो वैल्यू निकालनी है मुझे। माइनस है माइनस कैंसिल, ये आ गया 40/2, 20 आ रहा है भाई। इनिशियल क्वांटिटी समिंग 20 यूनिट्स, कितने ठीक है। ठीक है नमन, कीर्ति कीर्ति बोल रहे हो। भूमि जरा चेक करो भाई कहाँ गलती की है। ठीक, इनिशियल क्वांटिटी 20 है, 10 से घट रही है क्वांटिटी। अगर ये 20 है तो ये वाली कितनी होगी, 10। तो मतलब Q1 कितना आएगा, 10 यूनिट्स। ये तो इजी था यार क्वेश्चन, अब ऐसे ऐसे क्वेश्चन में अगर तुम गलती करोगे तो कैसे काम चलेगा है। हाँ भाई, जिस जिसकी गलती थी पता चल गई ना गलती कहाँ हो रही है, या तो शेड्यूल में गलती हो रही है या तो कैलकुलेशन एरर हो रहा है, इससे ज्यादा क्या होगा। डेल्टा पी माइनस में नहीं आएगा क्या, एक मिनट कौन है भाई, एक मिनट डेल्टा पी माइनस में नहीं आएगा क्या, तो डेल्टा पी माइनस में ही तो है, -1 वो तो माइनस माइनस कैंसिल होगी ना। डेल्टा क्यू भी तो फिर माइनस में होगा, दोनों डिक्रीज हो रहे हैं ना। क्वांटिटी डिक्रीज हो गई 10 यूनिट से, प्राइस डिक्रीज हो गया 1 से, तो माइनस माइनस कैंसिल, पॉजिटिव रिलेशनशिप। अगला लिख, नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे ही होता है भूमि, जैसे हम बचपन गुजरता जाता है हम फिर भूलते जाते हैं ना, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ये सब याद कहाँ रहता है ना। देखो अगला क्वेश्चन, व्हेन क्वांटिटी सप्लाई डिक्रीजेस बाय 40%, क्वांटिटी सप्लाई डिक्रीजेस बाय 40% एंड प्राइस डिक्रीजेस बाय रुपीज फोर पर यूनिट, ईएस गिवन है 3, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई 3। कैलकुलेट इनिशियल प्राइस, जल्दी करो। सेम टाइप के क्वेश्चंस हम रिपीटेडली कर रहे हैं। कैलकुलेट इनिशियल प्राइस,
अगर तुमने ये सही कर लिया फिर मैं और क्वेश्चन नहीं दूंगी जब, अगर ये सबने ठीक किया, एक भी गलती होगी तो एक और आंसर सबकी तरफ से आना चाहिए जब मैं पूछूं। प्राइस 4 रुपए से डिक्रीज हो रहा है, क्वांटिटी सप्लाई 40% से डिक्रीज हो रही है, तुम्हें पी की वैल्यू निकालनी है, इनिशियल प्राइस की वैल्यू निकालनी है, अगर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की वैल्यू 3। अच्छा संस्कार का हो गया, ठीक है, और आंसर रुपीज में लिख लेना, रुपीज का आधा नंबर होता है लिखने का क्योंकि प्राइस निकाल रहे हो। तो अक्षरा का भी हो गया, ठीक है, कीर्ति ने आंसर कहा है कि प्राइस 30 रुपए आ रहा है, बाकी कोई? अच्छा वेरीफाई करवाओ भाई। संस्कार कह रहा है 120 आ रहा है प्राइस, नाइस। और वैरायटी 30, 120, ये दो तो हुआ है आंसर्स, और बताओ भाई, कम से कम 3-4 आंसर होने चाहिए तब मजा आए। अच्छा प्रथम कह रहा है 120, ठीक है देख लेते हैं। अब देवांशी भी 120 कह रही है, ठीक है। क्वांटिटी का परसेंटेज फॉल है -40, ठीक है। परसेंटेज चेंज इन प्राइस का फॉर्मूला होता है डेल्टा पी अपॉन पी 200, जिसमें डेल्टा पी की वैल्यू दी है सीधा सीधा -4, मुझे पी की वैल्यू निकाल है। ये कैंसिल, मेरा तो कुछ और ही आ रहा है। 30 1/3, वन ट्वेंटी यहां से आ रहा है बे। भाई जिनका 120 आ रहा था, 120 कहाँ से आ रहा है? मेरा तो 30 भी लिए थे, क्योंकि ये तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, दिस इज 30p इज इक्वल टू 1, 1/p इज इक्वल टू 30, मतलब p इज इक्वल टू 1/30 आ रहा है भाई। तो कैलकुलेशन अगर मैंने तो नहीं, 40 10 नहीं, यही है, 120 कहाँ से आ रहा है भाई? वन बाय थर्टी, जो जो भी तुम्हारी वैल्यू आ रही है उसको अप्रोक्स ले लेना, ना 30 है ना 120, इट इज 1/30, प्राइस इज 1/30। अब आप तो सब बोलेंगे ही, अच्छा, नमन कह रहा है, भूमि कह रही है, मेरा भी यही आ रहा है। पी की वैल्यू 1/30, 1/30, कमाल कर रहे हो यार। पता नहीं जिसका, मुझे लगता है जिसने 120 बोल रहे थे, इन्होंने यहाँ पे 4 देखा ही नहीं, 40 × 3 कर दिया, तो 120। और कीर्ति ने सोचा अच्छा ये क्या है, पी की वैल्यू 30 लिख देते हैं, 1/30 क्या ही देखते हैं, है ना भाई? ठीक, कोई बात कोई बात, एक काम करते, अभी मैं तुम्हें एक असाइनमेंट सेंड करवा रही हूँ, ज्यादा खुशी हो गई। हाँ मुझे भी यही लग रहा है ना, मैं तुम्हें अभी एक असाइनमेंट सेंड कर रही हूँ विदिन 5 to 10 minutes, ट्राई करो कि आज ही वो सारे के सारे न्यूमेरिकल्स तुम कवर करो, ठीक है। कौन कौन से क्वेश्चंस करने होंगे, कौन कौन से क्वेश्चंस नहीं करने होंगे वो मैं तुम्हें बता दूंगी, पर मेक श्योर कि ट्राई करना आज के आज में या मैक्सिमम कल तक सारे के सारे क्वेश्चंस तुम अपने पार्ट में कवर कर लेना, ठीक है।
नेक्स्ट क्लास ट्यूसडे को है, सैटरडे कोई क्लास नहीं है. विल मीट ऑन ट्यूसडे जब हम थोड़ा सा आगे प्रोसीड करेंगे टुवर्ड्स डिग्रीज. ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में. बाय बाय, टेक केयर.